हम लोगों ने ये देखा है कि अगर कोई रिंग है तो उस रिंग की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिला दैट वॉज 1/4πε0 qr/a² + r² ⁄3/2। और ये कुछ ऐसा सीन था, ये कोई रिंग है, पॉजिटिव चार्ज का रिंग है, इसका रेडियस a था और इससे r डिस्टेंस पर यहां कहीं पर कोई पॉइंट p था। तो इस p पॉइंट पर इस पूरे रिंग की वजह से जिस पर q चार्ज है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया था अवे फ्रॉम द रिंग इन दिस डायरेक्शन। इज इट क्लियर? सही है। अब केस नंबर 1 की बात करते हैं। केस नंबर 1 ये कहता है कि अगर यही पॉइंट पी बेटा सेंटर होता, अगर हम आपसे कहें एट द सेंटर ऑफ रिंग, इस रिंग के सेंटर पे अगर हम आपसे पूछें तो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? क्यों? क्योंकि आर जीरो हो गया। यही पॉइंट अगर सेंटर पे होता तो क्या आर बराबर जीरो हो जाता? और अगर आर बराबर जीरो हो जाता तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी, क्योंकि न्यूमरेटर में आर आता है, जैसे रखते पूरा जीरो हो जाता। इज इट क्लियर? पक्की बात है। केस नंबर 2, केस नंबर 2 में यह कहा गया इफ पॉइंट पी इज फार अवे, इफ पॉइंट पी इज फार अवे, मतलब पॉइंट पी अगर काफी दूर हो जाए तो ये जो स्मॉल आर है क्या ये बहुत बड़ा हो जाएगा ए से? अगर पॉइंट पी बहुत दूर हो जाए तो आर की वैल्यू बहुत बड़ी हो जाएगी इन कंपैरिजन टू ए। पक्की बात है। तो ऐसे में a² + r² की जगह बेटा हम क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? r² क्योंकि ये नेग्लिजिबल हो जाएगा। और अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई? 1/4πε0 qr/a² + r² / 3/2। इसकी जगह पे हम r² लिखेंगे तो r² / 3/2 r³, और एक r से r³ कटेगा तो ये क्या बन जाएगा बताओ भाई? सही है। इसका मतलब अगर ये रिंग है और आप रिंग से बहुत दूर जाकर के देखोगे तो बहुत दूर से देखने पे क्या रिंग दिखेगी? सिर्फ क्या दिखेगा? एक पॉइंट चार्ज। और किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पे बोलो यही इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, तो यही होना भी चाहिए। क्लियर है भाई? बहुत दूर से हमको रिंग दिखेगा ही नहीं, हमको तो केवल क्या दिखेगा कि भाई क्यों चार्ज पड़ा, क्यों चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, वही आ गया। पक्का है? अच्छा, केस 3, अगर मैं आपसे कहूं इफ पॉइंट पी इज एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, पॉइंट पी अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है तो ऐसे में आर बराबर इनफाइनाइट हो गया, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? भाई बहुत दूर वाले पॉइंट के लिए फार्मूला ये वाला है, ये वाला या ये वाला? ये वाला। सही है। और उसमें भी मैंने और दूर कर दिया, इन्फिनिटी पे भेज दिया सीधे, तो आर की जगह इन्फिनिटी रखेंगे। और डिनोमिनेटर में अगर इन्फिनिटी का स्क्वायर है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई? जीरो। क्या ये पॉइंट समझ में आया? केस 1 में मैंने बोला इस रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी? जीरो। और बहुत दूर इन्फिनिटी निकल जाओ तो फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी? इसका मतलब यहां जीरो है और इन्फिनिटी में भी जीरो है, उसका मतलब बीच में कहीं मैक्सिमम हुआ होगा। बोलो यार। तो केस नंबर 4 ये है, फाइंड आउट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज रिंग।